रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने उपरपल्ली में पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेसवे पर एक रैंप का अफ्तताह किया। इससे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाईटेक सिटी आने वालों को फायदा होगा। इस रैंप की तामीर पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको मुकम्मल किया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, हैदराबाद कनेक्ट पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दूसरे दार भी इस मौके पर मौजूद थे। रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने सर्वनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक होमगार्ड 45 साल एम ईश्वर की सिफारिश की, जिसने जुमे को सर्वनगर तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले एक 26 साल नौजवान पी शिवा कुमार को बचा लिया। कमिश्नर पुलिस ने होमगार्ड को नकद इनाम दिया और प्राइम मिनिस्टर लाइफ सेविंग मेडल के लिए उसका नाम सिफारिश करने का वादा किया। कमिश्नर पुलिस से मुलाकात के मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर भी मौजूद थे। ईश्वरैया गुज़श्ता 6 माह से सर्वनगर तालाब पर ड्यूटी अंजाम दे रहा है और उसने अब तक 6 अफराद की जान बचाई है। हेलो हेलो, हैदराबाद में जैसे हुसैन सागर है वैसे हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में सरू नगर का लेक है। इस सरू नगर लेक के जो वॉल है उसके ऊपर हमने 2 साल पहले एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया। ये पुलिस आउटपोस्ट जो है ये काफी हमें काम आ रहा है। अभी तक ये पुलिस आउटपोस्ट होने से हमारा आउटपोस्ट पे काम करने वाला एक होमगार्ड नंबर 29 मंत्री ईश्वरैया, इसने 6 लोगों की जान वहां पे उनको उन्होंने बचाई है। इस 6 लोग जो है उसमें 2020 से लेके कल तक तकरीबन हम देखेंगे तो कल जो है शाम को 4:30 बजे के समय में एक शिवकुमार नामक शख्स लव फेल्योर के कारण सैदाबाद का रहने वाला है, वहां पे जब उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया उसने और काफी पानी में था, ये होमगार्ड ईश्वरैया ने खुद अपने जान हथेली पे लेके उसने पानी में जाके ये शिव कुमार की जान बचाई और बाद में उसको उसने फर्स्ट एड भी दिया, उसके कारण वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके रिलेटिव को उसको हमने हैंडओवर किया है। 2020 में 4 अप्रैल को ईश्वरैया होमगार्ड ने एक शोभा नामक लेडी की जान बचाई थी। उसके बाद उसने इस साल 31 मार्च को एक संतोष नामक शख्स, 27 मार्च को एक दीपिका नामक महिला, 26 अप्रैल को एक कविता एक महिला और 10 मई को ईश्वर अम्मा करके एक महिला, 6 लोगों की अभी तक इसने जान बचाई है। इसको हमने अभी आज के आशीर्वाद से नवाजा है अच्छे काम के लिए और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री लाइफ सेविंग मेडल जो है उसके लिए हम अभी उसका साइटेशन भेजने वाले हैं। किसी की जान बचाना केवल वो व्यक्ति की जान बचाने का काम नहीं तो उसका पूरे परिवार के लिए काफी वो महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छा काम उसने किया ईश्वरैया ने, इसलिए हमने उसको कैश रिवार्ड से सम्मानित किया। लॉकडाउन के बारे में 12 मई को हमारे तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, वो 30 मई तक रहेगा। सुबह 10 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे तक ये लॉकडाउन एनफोर्समेंट हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन टाइम है 6 बजे से 10 बजे उस पीरियड में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क नहीं पहनना हो या लार्ज गैदरिंग या पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग ऐसे केसेस हम उस पीरियड में भी बुक करें। 12 मई से अभी तक हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में टोटल 56,466 केसेस नमूद हुए, उसमें लॉकडाउन वायलेशन सुबह 10 बजे के बाद जो लोग रोड पे आके जिनके पास पास नहीं है, परमिशन नहीं है या जेन्युइन कारण नहीं है, ऐसे 41,990 केसेस नमूद हुए। उसके साथ साथ जो है मास्क नहीं पहने इसलिए 11,638 या मास्क ठीक से नहीं पहन रहे 11,638 केसेस है। जो लार्ज गैदरिंग ज्यादा लोग एक जगह जमा हो रहे वो 601 केसेस है।
सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे, बहुत नजदीक नजदीक लोग खड़े हैं। ऐसे मामले में 1823 केसेस रजिस्टर्ड हुए। पब्लिक प्लेसेस पे लिकर ड्रिंकिंग या पान और टोबैको थूकना, ऐसे कारण के लिए तकरीबन 414 केसेस रजिस्टर्ड हुए। और व्हीकल अभी तक सीजर है लॉकडाउन वायलेशन का, वो संख्या है 13,490 व्हीकल अभी तक यहाँ सीज हुए। 47 चेक पोस्ट अभी यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ नेशनल हाईवे पे जो इंटरसिटी स्टेट और इंटरस्टेट व्हीकल जो है या गुड्स व्हीकल जो है जो सिटी में नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के लिए हमने ओवरऑल पे डाइवर्जन पॉइंट 5 जगह पे रखा हुआ है। रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक सिटी में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो बड़े व्हीकल है गुड्स व्हीकल, उसके लिए स्पेशल परमिशन हम लोग दे रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ITIS, इन लोगों को एक्चुअली सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही शिफ्ट चेंज करने का था, लेकिन सेकंड शिफ्ट के लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम तीनों कमिश्नरेट में अभी शाम को 7 बजे से 9 बजे उन लोग को लिए विंडो समय हमने दिया हुआ। उस समय सेकंड शिफ्ट घर से लोग आ सकते हैं या फर्स्ट शिफ्ट वाले अपने घर वापस जा सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से लॉकडाउन एनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कल ही हमारे तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी सर भी यहाँ आके उन्होंने पूरा सुपरवाइज किए और अच्छा काम के लिए उन्होंने भी राजकोंडा पुलिस की सराहना की है। उनको भी हमारे राजकोंडा पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। होमगार्ड, स्पेशल पुलिस ऑफिसर से लेके सब लोग काफी अच्छा काम, काफी रिस्क लेके इस पीरियड में राजकोंडा में कर रहे हैं। और हमारी जो सिटीजन्स है, हमारे आवाम का भी उनको काफी अच्छा ताउन मिल रहा है, तो आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ ये अच्छे काम के लिए हमारे डिपार्टमेंट के हर एक जो हमारे कर्मी है उनकी मैं सराहना करता हूँ। थैंक यू। सदर मजलिस और अपने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने SA एम्पीरियल गार्डन टोली चौकी में कायम COVID-19 वैक्सीन टीके अंदाजी के मरकज का मुआयना किया। उन्होंने वहां मौजूद तिब्बी अमले से बातचीत की और सुपर स्प्रेडर्स के लिए चलाई जाने वाली इस खसूसी मुहिम के रेस्पॉन्स के बारे में मालूमात हासिल की। उनके अमरा कारवान के मजलिस रुकन असेंबली कौशल मुहीद्दीन, नाना नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे मजलिस कायदीन भी थे। पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन के करीब चिकुराई के मुकाम पर एक ट्रेन को आग लग गई, जिसमें रायचूर से हैदराबाद को ऑक्सीजन टैंकर लाए जा रहे थे। रेलवे जराये ने बताया कि आग एक टैंकर में भड़क उठी। ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया गया और फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की हकीकी वजह का पता चलाया जा रहा है, लेकिन शुबा किया जाता है कि बर्की तार के टैंकर से टकरा जाने के सबब आग लगी हो। कोरोना वायरस से फौत होने वालों के पसमानदगान को फीकस 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करते हुए कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर को एक मकतूब लिखा है। हनुमंत राव चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके यह मकतूब उनके हवाले करना चाहते थे और इस मकसद से प्रगति भवन भी पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। हनुमंत राव ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों को चीफ मिनिस्टर ने 1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने यतीम हो जाने वाले बच्चों के लिए 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने के काम जारी किए। चुनाचे रियासत में भी ऐसी कोई स्कीम शुरू की जानी चाहिए। मजलिस सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने IT एक्ट में तरमीम और नई कानून साजी को गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सोशल मीडिया पर तनकीदों को बर्दाश्त नहीं कर रही है, चुनाचे ट्विटर और फेसबुक पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तान भी अब चीन, रूस और शुमाली कोरिया के सब में शामिल होने जा रहा है, जो कि अवाम के इजहार ख्याल की आज़ादी को सल्ब करने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि BJP ने UPA के दौर में ऐसी ही कानून साजी की मुखालिफत की थी और अब वो उससे 10 गुना ज्यादा सख्त कवानीन बना रही है। उन्होंने बताया कि BJP की जुड़बयानी को बेनकाब करने पर ट्विटर के दफ्तर पर पुलिस के धावे किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मुकम्मल बरकी बोर्ड के 3,000 से ज्यादा मुलाजमीन COVID-19 से मुतासर हुए।
जबकि 80 मुलाजमीन लुख्मे अजल बन गए। सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसको वी प्रभाकर ने बताया कि बरखी मुकमे के मुलाजमीन के लिए टीके अंदाजी की खसूसी मुहिम का बहुत जल्द आगाज किया जाएगा। प्रभाकर ने 10 वेंटिलेटर्स की खरीदी के लिए निम्स के डायरेक्टर मनोहर को 70 लाख रुपए का हथियार दिया। दबीरपुरे के इलाके में जुमे की रात नशे के आदि अब्दुल्ला नामी शख्स के हमले में एक कब्रस्तान के निगरान कार 36 साल फैसल की मौत हो गई। हमले की वजह का इल्म नहीं हो सका। पुलिस दबीरपुरा ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। छह महीने से रेस्पॉन्स नहीं दिए सर, आगे पी एस वाले बोल रहे थे जाओ जाके क्या है अपनी तरह से मैटर हैंडल करो। आज शाम में फ़ोन आया सर, भाई निकल के गए, कोई वाजिद का फ़ोन आया हमारे कब्रस्तान के, उन्होंने निकल के गए, पता नहीं इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वाजिद है नहीं है पता नहीं, भाई को धोखे में बुला के मारे। पर सर पीएस पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं था सर, छः महीने से कोई रिस्पांस नहीं था। गए बराबर कंप्लेन दिए सब करे, भाई ट्वीट भी करे थे पीएस लाइक वो कुछ ट्विटर पे कुछ ट्वीट करे थे कि यहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा बोल के, पर भाई की मदद नहीं हुई सर। डबलपुरा पीएस में करे सर, की वजह क्या है भाई? भाई उन्हें आता था पैसे छीनता था सर, उन्हें एकदम ड्रग्स गांजे ये वो लेते कहते हैं अब्दुल इसका नाम सर, तो इसका आना बैठना शराब पीना हर चीज़ देखे हुए सर वो लोग, पर हम लोग को साथ नहीं दिया सर, सपोर्ट नहीं करा, कोई नहीं थे सर, 4-5 जने बैठे थे पर मारा तो उन्हें अकेला सर, धोखे में बुलाया के भाई को मारे सर। इससे पहले कभी अटैक करा? नहीं अटैक नहीं करा सर, पर फोनों पे गाली गलौज हुआ सब सुने, पुलिस वाले हर चीज़ देखे, बस आना राउंड मार के चले आना, कोई रिस्पांस नहीं देना, उल्टा हम लोग को बोलते थे तुम्हारे पे उल्टा केस कर देते ये करते, पर कोई हम लोग को हेल्प नहीं मिली सर पुलिस से। झगड़े की वजह क्या है? झगड़े की नहीं कुछ भी नहीं है सर, नशेड़ा है वो आना बैठना नीचे करो थोड़ा लोग, मजदूरों से पैसे छीन लेना, पैसे छीन लेके चले आना सर, ऐसा करता था। कोई वजह नहीं है सर। अभी ये कहाँ कब्रस्तान में हमारे भाई? हाँ कब्रस्तान में अटैक हुआ दरगाह के पास, वो नेमतुल्ला शाह साहब की कुछ दरगाह है, दरगाह से थोड़ा पहले अटैक हुआ। मैं डिनर कर रहा था, भाई का फ़ोन आया, भाई बोले मैं जा रहा हूँ बोले, तो मैं निकल के गया, रास्ते में था मैं अंधा हुए साहब। ये और एक बात ये बोल रहे हैं कि ये कुछ कब्रस्तान में तदफीन को लेकर झगड़ा है, उसके बारे में क्या है? तदफीन कुछ भी नहीं है सर, जैसा मतलब कुछ भी ऐसा मजदूर वहाँ काम करते थे, आना ज़बरदस्ती पैसे छीन लेना, बस यही सर। क्या उम्र थी फसल की? 31। क्या काम करते थे? सेल्स में थे ना भाई। मैरिड में? अच्छा भाई मैरिड है। जो मारे सोलह का नाम बताइए। बच्चे तीन है भाई, तीन बच्चे। एक मिनट भाई आ रहे हैं। और ने रोडी शीटर है सर। भाई आ रहे हैं इधर आइए सेंटर में। बड़े भाई दे सो एक सेकंड भैया ऊंचा गिर जाते थे आंख पे गिर देगा भाई जरा पीछे बैठो। दूसरे कामों में भी भाई दोस्तों बिजी रहते थे, मालबोरो वगैरह का उनका डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें बिजी रहते थे भाई। तो एक वाजिद बोल के जो हम लोगों के लिए काम करता था उन्हें भी लोगों के साथ इन्वॉल्व है, मिला हुआ है उन्हें भी वहाँ पर लोगों के साथ, ठीक है ना। तो कभी भी पैसे तफीन हुई करी तो उन्हें पैसे लेके भाग जा रहा था, उसका नाम अब्दुल है सर, उन्हें ऑलरेडी अक्यूज है, उन्हें बहुत सारे केसेस में डबलपुरा और रेन बाजार पीएस में कंप्लेन है उसके नाम पे। तो उन्हें ऐसे ही करा था, मैं इसको रमज़ान में भी मैं इसको मिलकर समझाया था, नक्को कर तो भाई नहीं करता हूँ भाई ये वो बोला उन्होंने। आज भी जैसे तफीन हुई थी तो उन्हें जैसे भाई गए थे वहाँ पर मतलब पैसे लेने गए थे तो उन्हें अटैक करा उन्होंने भाई के ऊपर। भाई मुतवली कौन है कब्रस्तान? मुतवली उन्हीं से भाई फैसल शाह है भाई, फैसल भाई नहीं है मीरपेट पुलिस ने 150 से ज्यादा जिस्मानी माजूरीन को जरूरी अशिया फराहम किए। वजीर तालीम सबिता इंद्रडी के हाथों इसकी तकसीम अमल में आई। सबिता इंद्रडी ने मीरपेट पुलिस के जज्बे की सिताइश की और कहा कि रसाकुंडा पुलिस 24 घंटे ड्यूटी अंजाम दे रही है, साथ ही इमदादी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने आवाम से अपील की वो टीके अंदाजी की मुहिम को कामयाब बनाए। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवासगढ़ ने रियासती पैराक श्यामला की माली मदद करने का तयकुन दिया, जिसका लॉस एंजल्स में होने वाले ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप मुकाबलों के लिए इंतखाब अमल में आया है। जी श्यामला ने वज़ीर स्पोर्ट्स से मुलाकात करके माली मदद करने की दरखास्त की थी। करीमनगर की एक 24 साल खातून जय श्विता जिसने सीलिंग फैन से लटक कर खुदकशी करने की कोशिश की थी हैदराबाद के खानगी दवाखाने में इलाज के दौरान जान बन ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक स्विता की शादी 2017 में प्रशांत नामी शख्स से हुई थी। करीमनगर रूरल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और जाब्ते की कार्रवाई की। मुल्क की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अभी 1,81,00,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दस्तियाब है।
वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रियासतों और मरकज़ के एक ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अब तक 22,77,00,000 कोविड वैक्सीन मुफ्त और बराए रास्त खरीद के ज़ुमरे में दस्तियाब कराई गई हैं। प्रेस रिलीज़ में मज़ीद कहा गया है कि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास अभी 1,81,00,000 से ज़ायद खुराकें दस्तियाब हैं। इसके अलावा इन्हें 4,86,180 वैक्सीन की खुराक फराम किए जा चुके हैं। ये वैक्सीन अगले 3 दिन में रियासतों को फराम कर दी जाएंगी। लॉकडाउन में गरीब अवाम पुलिस के पैर पड़ने पर मजबूर। गरीब और मजबूर ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए हुकूमत के दिए लॉकडाउन में छूट के वक्त में रोजगार की तलाश में निकल रहे हैं और अपने घर वालों का पेट भर रहे हैं ताकि लॉकडाउन की वजह से भूख में ना मरे और पेट भरने की चक्कर में घर आने में ताखीर हो जाती है, क्योंकि पुलिस के लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों पे नजर रखने के लिए चेक पॉइंट लगाया गया है। लॉकडाउन की नरमी के आखिरी वक्तों में ट्रैफिक हर चेक पॉइंट के पास चकाजाम रह रही है और पुलिस के जानिब से उसी वक्त चेकिंग शुरू की जा रही है। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, ठेला बंडी और दूसरे लोग इस दौरान फंस जा रहे हैं। लेकिन आज ऐसा ही एक वाकया मदीना चौराहे के पास पेश आया, जहां पर चारमीनार ट्रैफिक पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव और इनकी टीम ने एक ऑटो ड्राइवर को इंस्पेक्टर के पैर पड़ने पर मजबूर कर दिया और इंस्पेक्टर के जानिब से कोई हमदर्दी नजर नहीं आई। जी हाँ, बताया जाता है कि ये वही इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव है जो चारमीनार पर ठेला बंडी वालों और ऑटो रिक्शा चलाने वालों पर हमेशा अपनी वर्दी का बेजा रौब जमाता है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ तेलंगाना के होम मिनिस्टर, सिटी पुलिस कमिश्नर और दूसरे बड़े पुलिस ऑफिसर्स के पास शिकायत की बड़ी लिस्ट मौजूद है, फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से चारमीनार ट्रैफिक के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और गरीब आवाम को पुलिस की मजालिम का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस की साख को धक्का पहुंच रहा है। एक तरफ फ्रेंडली पुलिस का दावा, दूसरी तरफ चारमीनार ट्रैफिक के ऑफिसर्स का गरीब आवाम के साथ ये रवैया, जिस पर कायदीन भी खामोश हैं। विकाराबाद पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमलावरी के लिए जगह जगह चेकपोस्ट कायम किए। गोतापुर चेकपोस्ट पर पुलिस ने एक RTC बस को जब्त कर लिया। इसमें 60 अफराद शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि शादी की तकरीब में दुल्हन वालों की तरफ से सिर्फ 20 अफराद को शिरकत की इजाजत है। पुलिस ने कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर RTC बस ड्राइवर और दुल्हन के वालिद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। गुलबर्गा में एनर्जी ड्रिंक पीने से एक 13 साल लड़के की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक इम्तियाज चुलबुल का बेटा महबूब चुलबुल रोजाना 2-3 बोतल एनर्जी ड्रिंक नोश करता था। महबूब के रिश्तेदारों ने एनर्जी ड्रिंक की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया और बच्चों से कहा कि वो इस मशरूब से परहेज करें। वालेकुम, मैं एक KSRC ड्राइवर हूँ और ये क्या है मालूम है, ये हमदर्द कॉलोनी में रहता हूँ। ये हमारा भतीजा छोना, हमारे साले का बच्चा छोना, ये क्या है मालूम है, ये पीने की वजह से उसका डेथ हुआ। क्योंकि गुलबर्गे के हर डॉक्टर बोले कि ये जहर है, इसको न को पियो बोलो, बल्कि बोले बच्चे और डॉक्टर क्या है मालूम है, 20 दिन के बाद तुम्हारा रिपोर्ट दे तुम बोले। और वजह यह है कि इसके वजह से हुआ है बोलकर हर डॉक्टर जम्स दवाखाने का डॉक्टर बोला है ये। और मैं जिला अधिकारी को और जिला कमिश्नर को, हर गुलबर्गे की हर पुलिस को ये बोलता हूँ कि इमीडिएटली ये बंद कराए और ये गुलबर्गे के हर मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों, ये चीज़ अपने बच्चों को पीने से रोको, बहुत डेंजर मामला है ये बच्चों को रोको ये पीने के लिए। गुलबर्गे के दुकान वाले और बेकरी वालों को भी बोल रहा हूँ, आप कान रख के सुनिए। और क्या ये आप बेचिए ना कोई, अभी जो भी चीज़ ये बच्चा मांगेगा कोई ये चीज देना नहीं। सैयद महबूब का कजिन ब्रादर हूँ, सैयद महबूब चुलबुल। इस बच्चे की सुबह डेथ हुई है 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद। किस वजह से? स्टीम ड्रिंक जो है, एनर्जी ड्रिंक ये जो ले रहे हैं बच्चे, आखिर छोटे छोटे बच्चे जो पी रहे हैं, ये 20 रुपीज में, देखिए रेड कलर का एक और एक आता है उसमें हैप्पी कुछ है उसका नाम, हैप्पी। ये दोनों ड्रिंक की वजह से प्रॉब्लम्स है। हम जब हॉस्पिटल में एडमिट करे तो डॉक्टर्स बोले हाई शुगर, बेकरी आइटम ज्यादा और एनर्जी ड्रिंक यूज करने की वजह से ये बच्चे को हाई शुगर हुआ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको। बल्कि कई डॉक्टर्स तो बच्चे को लिए नहीं, वहाँ जिम्स में एडमिट करे तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी है हमारे को आज सुबह बच्चे की, इसकी वजह से डेथ हो गई। हम लिहाजा ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा तो चले गया, दूसरे जो भी छोटे बच्चे हैं उनके फादर्स अलर्ट होना या फिर केयर करना बच्चों को, बल्कि हम ये
कर रहे हैं सारी चीजें। मेरा नाम शहबाज है, मैं इस बच्चे का बड़े अब्बा हूँ और इस बच्चा ये पीने की वजह से इंतकाल कर गया सुबह फजर में, फजर के बाद। और बच्चे की उम्र है 13 साल। डॉक्टर का यही कहना कि ये पीने की वजह से शुगर हाई हो गया और दिमाग में चढ़ गया, बच्चे की डेथ हो गई सुबह फजर के बाद जीएम्स हॉस्पिटल में गवर्नमेंट। और डॉक्टर का कहना भी यह है कि इसकी वजह से शुगर हाई हो गया है और ये बहुत डेंजर है बोलकर। वो हमारा बच्चे का तो इंतकाल हो गया, फिर भी आपके बच्चों को एहतियात कीजिए और इससे पीने से रोकने लगाइए। तो मेरा नाम जाफर शाह है, यहाँ हमदर्द कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पर मेरे साले के बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये जो स्टेन कंपनी जो है, ये डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर का कहना है कि ये जहर है, क्योंकि रिपोर्ट तो अब हमको दिया नहीं, रिपोर्ट 20 दिन के बाद देते हूँ बोले। अगर 20 दिन के बाद देने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उनको हम लेटर भेजेंगे, भेजकर ये कंपनी के ऊपर कंप्लेंट देंगे। अभी तो फिलहाल तो हमारे को कोई लेटर नहीं दिए। बच्चा 13 साल का है, नाम महबूब है, उसका इंतकाल हो गया है। हर डॉक्टर का कहना है कि ये पीने से हो गया। जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, 5 दिन वहां पर थे, आज फजर में उनका इंतकाल हो गया है। कि हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को इस चीज से रोके। मगरबी बंगाल में आए तूफान यास का असर जिले निर्मल के भैंसा टाउन में देखा गया, जहाँ हफ्ते की शाम जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया था। तेज हवाओं के सबब कई मकानात के टीन शेड उड़ गए, ताम किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,527 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद अब 5,71,044 हो गई है। मौके में सेहत के प्रेस में बताया गया कि जीएसएमसी हदूद में 519 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि नलगुंडा से 218 और खम्मम से 215 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जुमे को 97,233 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रजुद्दीन को एक अहम कामयाबी इस वक्त मिली, जब उन्हें हफ्ते को बोर्ड ऑफ कंट्रोल बराए क्रिकेट के खसूसी इजलास याम में शिरकत का मौका मिल गया। हालांकि बोर्ड ने पहले शीला लादो को वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पासवर्ड जारी किया था। लम्हे आखिर में BCCI के सदर सौरव गंगोली ने अजहरुद्दीन को यह पासवर्ड दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के दरमियान दूसरे दिन आज भी नए केसेस की तादाद 2 लाख से कम थी। वहीं इसके मुकाबले कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद ज्यादा थी और 2,84,000 मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दी। मरकजी वजारत सेहत के जानिब से हफ्ते की सुबह जारी अददोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,73,790 नए केसेस आने के साथ ही मुतासिरीन के जुमला तेदाद 2,77,29,247 हो गई है। इसी दौरान 2,84,601 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। मजमुआ तौर पर अब तक मुल्क में 2,51,78,011 अफराद इस वबा से नजात पा चुके हैं। फाल केसेस 1,14,428 कम होकर 22,28,724 रह गए हैं। हालांकि दौरान असना 3,617 अफराद फौत हुए और वबा से फौत होने वालों की कल तक तादाद बढ़कर 3,22,512 हो गई है। इस दरमियान जुम्मे के रोज 30,62,247 अफराद ने कोरोना टीके लगवाए हैं। चुनाचे मुल्क में 16 जनवरी से अब तक 20,98,02,445 अफराद टीका लगा चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BIPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.